नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे से होंगे और इस कोरोना काल में रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल्स हैंड टूल्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो कि बिजली से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स का क्या मतलब होता है कि यानी कि एक तरीके से ऐड या हेल्प, जो कि हैंड का मतलब होता है हाथ से और टूल्स का मतलब ऐड या असिस्ट करने वाला या एज ए हेल्पर। तो कोई भी चीज़ जो कि हाथों को ऐड प्रोवाइड कराती है, जिससे कि पर्सन कोई भी काम कर सकता है, कोई भी मैनुअल काम, उसको हैंड टूल्स बोलते हैं। इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई भी मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। मटेरियल्स कंज्यूमेबल होते हैं। टूल किट, एक छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर हमारे सारे टूल्स रखे जाते हैं, उसको टूल किट बोलते हैं। आगे चलते हैं। सम टेक्निकल वर्ड्स, हमें इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर टू जॉइन रोप्स और वायर वर वेविंग और ट्विस्टिंग दैम टुगेदर। मतलब क्या है कि जब हम किन्नी भी वायर को, जैसे ये दो वायर हैं, इनको ट्विस्ट करके आपस में जब हम उनको लगाते हैं तो उसको हम स्प्लाइकिंग बोलते हैं। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि किसी भी वायर से इंसुलेशन को छीलना या हटाना। तो जैसे कोई वायर आता है तो हम उसकी प्लास्टिक, उसकी इंसुलेशन को हटाने के बाद ही उसको लगाते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल टूल्स को क्यों यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़ उससे हमारा टाइम बच जाए, हमारा एफर्ट्स बच जाए और हमारे रिसोर्सेज बच जाए। दूसरा उसका यूज़ क्या है, क्योंकि हम किसी भी मशीन पे बेयर यानी कि बिना नंगे हाथों से एकदम काम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ इंसुलेशन और कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल टूल्स और इलेक्ट्रिकल नीड परफॉर्म करने के लिए यानी कि कोई भी काम करने के लिए उन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेसन में हम उनके टूल्स के फंक्शन पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स होते हैं, जिसमें मेजरिंग टूल्स जो कि मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, स्ट्राइकिंग टूल्स जो कि स्ट्राइक करने, जैसे हथौड़ा वगैरह होते हैं, उसके बाद स्प्लाइकिंग कटिंग टूल्स जो कि काटने के लिए यूज़ होते हैं, बोरिंग टूल जो कि होल करने के लिए यूज़ होते हैं, फिर ड्राइविंग टूल्स जो कि कसने के लिए यूज़ होते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग टूल्स जो कि सोल्डर करने यानी कि टांके लगाने के लिए, जॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि कौन कैसा होता है। आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले ड्राइविंग टूल्स, ये सारे आपके स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जो कि स्क्रू को टाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें स्क्रू ड्राइवर आता है ड्राइविंग टूल्स में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी में स्क्रू ड्राइवर कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से। पहला स्टैंडर्ड या फ्लैट, यानी कि इसकी जो टिप है ये फ्लैट होती है, ये नेगेटिव टाइप की, इसको हम स्टैंडर्ड या फ्लैट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। उसके बाद आगे फिलिप्स, इसमें प्लस साइन का होता है ये वाला, ये तो इसकी जो टिप होती है वो प्लस साइन वाली होती है, पहली वाली माइनस की थी, दूसरी वाली प्लस टाइप की थी। आगे चलते हैं स्टवी, ये दोनों तरीके के हैं, इसमें ये आपके प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। उसके बाद एलन स्क्रू ड्राइवर रेंच, मतलब क्या है कि ये एक, इसका इतना ही हिस्सा होता है, आगे वाले हिस्से में हम किसी भी तरीके की बिट्स लगा के उसको टाइट कर देते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड्स, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिट्स विच में इंसर्ट इन दिस हैंडल। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, यानी कि आपका एक ही हैंडल होगा और उसमें हम अलग अलग तरीके की बिट्स लगा के उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे फिर आ जाते हैं हमारे सेकंड वन, स्ट्राइकिंग टूल्स, यानी कि वो टूल्स जो कि आपके स्ट्राइक करके यानी कि मारपीट करने के यूज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे उसमें हथौड़ा आ गया, ये अभी अलग अलग तरीके के हथौड़े हैं, ये वाले, ये वाले। पहले हथौड़े को मैलेट बोलते हैं इसको, इसमें आपका एक तरीके से दोनों साइड से ये वाली चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल है। दूसरे वाले में ये आपका क्लो हथौड़ा है, क्लो हैमर, इसमें आपका एक तरफ से नुकीली है, एक तरफ से ये है, तो यानी कि अगर मान लिया आपने कोई कील लगाई और उसको हटाना है तो हम उसकी दूसरी साइड से उस कील को आराम से निकाल सकते हैं। फिर ये है, ये वाला आपका है बेपलन,
बॉल पिन का मतलब क्या है कि आपका एक तरफ ज़्यादा चोट करनी है तो ये वाला हिस्सा लेंगे, और हल्के वाली साइड से लेनी है, छोटी चीज़ों को ठोकना है तो हम ये वाला चीज़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है स्ट्राइकिंग ग्रिपिंग होल्डिंग टूल्स, यानी कि जो काटने के लिए यूज़ होते हैं, ग्रिप करने के लिए होते हैं और होल्ड करने के लिए। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्लायर, ये आपका प्लायर है, ये आपका ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कटिंग के लिए, सारी एक केबल्स को हम इसमें यूज़ करते हैं, तीनों ही चीज़ों को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर साइड कटिंग प्लेयर, यानी कि जो हमें साइड से काटना होता है, ये मीडियम और बिग और सभी तरीके के केबल्स को काटने के लिए यूज़ आता है। फिर आता है लॉन्ग नोज़ कटर, लॉन्ग नोज़ प्लेयर, यानी कि जिसकी नाके थोड़ी सी ये इसकी और थोड़ी सी ये लंबी होती है, तो ये बेसिकली वहाँ पर जहाँ पे बहुत ही स्पेस कम होता है वहाँ पर हम इस वाले प्लायर का यूज़ करते हैं। तो कम स्पेस वाले में इसकी नाक लंबी होने पर और ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है, तो वहाँ पर पकड़ने के लिए, काटने या छीलने के लिए हम इस वाले टूल का यूज़ करते हैं। फिर आता है वायर स्ट्रिपर, ये बेसिकली आपका एक तरीके से इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिपिंग और रिमूविंग द इंसुलेशन ऑफ कनेक्टिंग वायर रेंजिंग फ्रॉम इतने टू इतने गेज, ये साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं कटिंग टूल्स, उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा चाकू, नाइफ भी बोलते हैं, ये आपके केबल हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन के रिमूव इंसुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी केबल से जो हमारे उसकी रबड़ सी जो हम उसको छीलते हैं, इंसुलेशन छीलते हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा बात हैक्सो, इसको आरी बोलते हैं, ये आपके पाइप या लकड़ी वगैरह काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। आगे चलते फिर आ जाता है बोरिंग टूल्स, यानी कि जो होल्स करने के लिए यूज़ आते हैं, उसमें सबसे पहला आ जाती है ड्रिल मशीन, इस ड्रिल मशीन से हम कहीं भी आपका घर में ज़रूरत पड़ती है तो होल करके अपनी वॉल या उसको पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, या हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वॉश बाथरूम वगैरह में होते हैं, वॉश बेसिन होते हैं, उनमें हम इस वाली होल्स का यूज़ होल्स करते हैं मशीन से, और देन हम उनको इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद गिमलेट होता है, ये आपका बेसिकली बोरिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि आपके शुरू में हम उसको मार्क करके उसको हल्का हल्का घुमा के उसको अंदर से कर देते हैं होल, दोनों ही होल्स के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा जाता है सोल्डरिंग टूल्स, सोल्डरिंग टूल्स यानी कि जो सोल्डर करने के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है सोल्डरिंग आयरन, ये है, ये आपका एक मशीन है जिसको गर्म करने के बाद हम सोल्डर वायर के थ्रू उसको गर्म कर उस वायर को पिघला के दो कनेक्शन आपस में बनाते हैं। अगर वो कनेक्शन गलत बन जाते हैं, वो टाँके गलत लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम डी सोल्डर का यूज़ करते हैं, ये उस वाले टाँके को सोख लेता है। और फिर आता है इसका स्टैंड, यानी कि सोल्डरिंग आयरन बहुत ज़्यादा गर्म होती है ये, तो उसको इस स्टैंड पे हम रखते हैं, इस वाले स्टैंड पे। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है हमारा मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल में पहला आ जाता है माइक्रोमीटर, जो बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है डायामीटर के लिए, तो किसी भी केबल को वो कितने साइज़ का है, उसका क्या डायामीटर है, वो वायर भी हो सकते हैं, वो कंडक्टर भी हो सकते हैं, वो केबल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम बीच में इसको फिट करके इस वाले इसकी रेंज को नापते हैं, इस पर एक स्केल बना होता है। उसके बाद आता है रूलर, ये आपने देखा भी होगा, इसको रूलर बोलते हैं, स्केल भी बोलते हैं, फीटा पुट्टा सभी बोल देते हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स को सीधी लाइन खींचने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जितने भी कारपेंटर वगैरह होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ये आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर एंड इंच, दिस इज ऑल्सो यूज टू मेजर द हाइट ऑफ स्विचेस एंड आउटलेट, एक ये होता है आपका नापने के लिए, ये आपने देखा होगा बड़ाई वगैरह के पास, ये आपके गेम्स टीचर के पास भी होता है, इसको भी हम नापने में यूज़ करते हैं। फिर आता है वायर गेज, ये बेसिकली डायामीटर नापने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी भी वायर का, तो ये सारे मेजरिंग टूल्स हैं। उसके बाद कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला आपका बर, क्या होता है बर, क्या होता है कि जैसे ये है इस तरीके का, तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो कि जब हम किसी भी शीट मेटल की या किसी भी मटेरियल को जब हम काटते हैं तो चिकना नहीं कटता, वो इकसार नहीं कटता, तो उसको इकसार करने के लिए हम एक अलग से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत यूज़ करते हैं। तो उस वाले प्रोसेस को हम जब ये कटिंग बर के लिए यूज़ करते हैं, जो कि उसमें चिकनाहट लाता है, उसको हम बर बोलते हैं। उसके बाद ये आपका कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब क्या है कि एक तरीके से पाइप
जो कि जिसके अंदर हम केबलिंग को रखते हैं, जिससे कि उन केबल की प्रोटेक्शन हो जाती है, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते। जैसे इसी में ही आगे चीज़ें आ जाती हैं। पहली फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है उसमें डस्टिंग वस्टिंग ना आ जाए या खुदरापन ना आ जाए, तो उसको चिकना करने के लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। जैसे रैग माल का भी यूज़ करते हैं। रैग माल क्या करता है कि जहाँ भी खुदड़ापन आ रहा है, जैसे मान लिया मेरे को कहीं वार्निश करनी है कुछ भी, तो क्या करते हैं पहले पेंट करने वाले पहले रैग माल से उसको अच्छे से घिस लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पेंट करते हैं, जिससे कि क्या होता है जो सरफेस होती है वो फ्लैट हो जाती है, फिर उस पर ईजिली पेंट हो सकता है। तो ये बर को यानी कि जो खुदड़ापन है, बर का मतलब एक तरीके से खुदड़ापन, उस खुदड़ापन को हटाने के लिए हम फाइल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद रीमर, ये भी आपका बर्स को हटाने के लिए यूज़ होता है, जो पाइप वगैरह में आते हैं तो उनको चिकना करने के लिए, जो पाइप को जैसे हमने काटा तो वो सही नहीं कटा, कहीं से ऊंचा नीचा हो गया, आड़ा तिरछा हो गया, तो उसमें खुदड़ापन आ गया, तो उसको फ्लैट करने के लिए हम इन वाले टूल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिश वायर। फिश वायर क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर से, कंडक्ट यानी जो पाइप है, पाइप से हमने तार को निकाला, उस तार से हमने इंसुलेशन को हटाया, तो उससे जो भी हमारा वायर बना उसको हम फिश वायर बोलते हैं। अब कटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, तो जो भी आपका कंडक्ट यानी कि ये पाइप हो गया वही, इसको हम कंडक्ट बोलते हैं। उसको काटने का एक पिक्चर दिखाई हुई है। आगे चलते हैं। बस इस वाले चैप्टर में यही था। तो हमने इस चैप्टर में सीखा कि मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं, कटिंग टूल्स क्या होते हैं, बोरिंग टूल्स क्या होते हैं, सोल्डरिंग टूल्स क्या होते हैं, और आपके स्क्रू ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको अब टूल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन सा टूल्स देखने में कैसा होता है, किसका कहाँ पर यूज़ होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।